इनको क्या अपने बुजुर्गों के सामने आप कोई बात करें जब वो सोए हुए हों, खराटे ले रहे हों, और बाद में उनको उठा के पूछे मैंने क्या बात की थी, तो बता देंगे नहीं? तो कब्र जाके उन्होंने के मतलब को कैमरा फिट कर ले जेड़ा जीने जी नहीं सुन रहा, वो कहते नहीं ताकत बच जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बाकी जवाब देना ये किसी हदीस में नहीं आया कि वो जवाब देते हैं, अगर देते हैं तो आप दिखाएं, और आप सुनते हैं तो आप हमें बताएं, रिकॉर्डिंग करके बता दें। ठीक है। कुछ लोगों की तरफ से एतराज मिला और आज उस एतराज को बहुत ज्यादा बयान किया जा रहा है। वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमारे बुजुर्ग कब्रों में भी जिंदा होते हैं, कहते हैं कोई जिंदा हमें दे दो कुछ वक्त के लिए और हम उसको कब्र में रखेंगे चंद घंटे और फिर निकाल लिया जाएगा और इसमें पता चल जाएगा कि वो तुझे जिंदा अंदर भेजा था वो सुनता है या नहीं सुनता। तो मैंने पिछले सेमिनार में भी इस चीज की ये वजाहत की थी कि कुछ लोगों ने दीन को समझा ही नहीं और वो ये जानते ही नहीं कि दुनिया के अहकाम और हैं और बरज़ख के अहकाम और हैं, उनको इस सिलसिला में खबर ही नहीं। वो असल में इस दुनिया के हालात को सामने रख के दीन को समझना चाहते हैं, जबकि बरज़ख के मामले अकल पे तोले ही नहीं जा सकते। जरा तवज्जो करना, अब हदीस शरीफ में है कि जिस वक्त मोमिन कब्र में इम्तिहान में पास हो जाता है तो उसकी कब्र हद नजर तक खोल दी जाती है। तो मैं पूछता हूं, अगर अकल के तराजू पे तोलना है तो कब्र के साथ कब्र मिली हुई हो, दोनों इम्तिहान में पास हो जाएं, तो फिर दोनों की हद नजर तक कैसे खुलेगी? हजारों एक कब्रिस्तान में है, सालहीन भी हैं, तो हद नजर तक कब्र कैसे खुलेगी? तो शरीयत कहेगी तुम्हारी जो सोच है ये दुनिया वाली है, शरीयत बरज़ख की बातें बता रही है, तुम चुप करो, शरीयत को मानो, बरज़ख में जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि कब्र कैसे खुलती है। इस वास्ते मैं उस तबके को बता रहा हूं कि लोगों को गुमराह करने के लिए तुम हमेशा यह सूरत इख्तियार करते हो कि तुम बरज़ख और दुनिया को एक तराजू में तोलते हो। जान लो बरज़ख और है और दुनिया और है, और अगर इसकी मिसाल समझना चाहते हो और पूछना चाहते हो कि कब्र वाले का अंदाज क्या होता है, तुम जिंदा को कब्र में दफन करके हयात जाहिरी दुनियावी पर बरज़ख को कैस करना चाहते हो, मैं तुम्हें मुहद्दिसीन के इमाम से यह साबित करना चाहता हूं कि जो हमारे जिंदा हैं दुनिया में उनका मामला छोड़ो, तुम हमें कोई छुट्टी ना दो, हम जो कब्र में हैं उनसे यह साबित करवाएंगे कि उनका अंदाज कैसे होता है, वो कब्र में रह के कैसे सुनते हैं और किस अंदाज में कब्र से वो अपनी जिंदगी का इजहार करते हैं। ये किताब उसकात है जिसमें सेका रावियों का जिक्र है, ये इमाम इब्ने हिब्बान का वो मजमुआ है कि जिसकी जिल्दों को देखकर हदीस का मेयार मुअय्यन किया जाता है, हदीस कमजोर है या सही है, उसके रावियों की जो पोजीशन है, इन किताबों से ये किताब उसकात जैसी किताबों से मुअय्यन होती है। इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 2 पर सफा नंबर 32 पर हजरत उहबान बिन सैफी, हजरत उहबान बिन सैफी उनका जिक्र है। ये हजरत उहबान बिन सैफी कौन है? ये 14वीं 15वीं सदी के नहीं, ये बड़े पुराने हैं। कौन? ये हजरत अबू जर गफ्फारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे हैं, ये हजरत अबू जर गफ्फारी के शागिर्द हैं। उहबान बिन सैफी हजरत अबू जर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, और इनका अंदाज क्या है, ये बसरा में रहते थे और बड़े जाहिद व आबिद थे, बड़े परहेजगार थे। इन्होंने मौत के वक्त यह वसीयत की थी, औसा इन द मौत ही के वसीयत थी, अला अल्लाह युकफ्फना फी कमीस मखीद, कि मुझे सिलाई शुदा कमीस में दफन मत करना, मुझे सिली हुई कमीस मत पहनाना। आज ये लोग कहते हैं कमीस तुमने खुद उतारी, कब्र में तुमने खुद उतारा, वो खुद नहीं उतरे, कमीज खुद उतार नहीं सकी, कब्र में पहुंचे तो तुमने मुश्किल कुशा मान लिए, कब्र में पहुंचे तुमने हाजत रवा मान लिए। मैं कहता हूं ये सनद के साथ सहाबा के शागिर्द का अंदाज पेश कर रहा हूं, किताब मजनू लैला की दास्तान की नहीं, ये नकद रिजाल के इमाम इब्ने हिब्बान का यह मजमुआ जिसके जरिए से हदीसें तोली जाती हैं, सनदें चेक की जाती हैं, इसके अंदर एक अजीम मुहद्दिस एक अजीम वली का जिक्र उनके शागिर्द जिस अंदाज में करते हैं वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जब वक्त विसाल आया
हजरत ओबान का, इन्होंने कहा मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना। पहले इसलिए वसीयत की कि कोई ऐसा मसला चल रहा था, कुछ लोग मुसर थे कि हमने पहनानी है, ये कहते थे मुझे मत पहनाना, वसीयत करके दुनिया से चले गए। तो क्या हुआ, फकुफे ना फी कमीसन, पीछे वो पार्टी गालिब आ गई, उन्होंने कहा शेख जो कुछ कह के गए हैं ठीक है, मगर हम तो कमीज ही पहनाएंगे, हमने जो कहा है सोचा है, हमने बनवा के रखी है, हमने कमीज पहनानी ही पहनानी है। अब जो कहते थे कि शेख की वसीयत को पेश नजर रखो, वो मगलूब हो गए, कमीज पहनाने वाले गालिब हो गए। ओबान सैफी को कमीज पहनाई गई, रूह निकल गई है, जनाजा हो गया है, कब्र में दफन कर दिया गया है। फलम्मा राजाऊ में दफने ही, जबकि उनके रिश्तेदार उनको दफन करके घरों की तरफ वापस लौटे, तो क्या हुआ, कहते हैं दाखलू दारहू, उनके घर उनके कमरे खास में दाखिल हुए, फ़ाइज़ा अल कमीसुल लज़ी कफ़नूहु फीहे मौज़ूउन फिल बैत, वो कमीज जो उनको कफन में पहनाई थी उनके घर लटकी हुई नजर आ रही थी। सफा नंबर 32, तर्जमा नंबर 205, ओबान सैफी, उनका वक्त विशाल, वसीयत यह है मुझे सिली हुई कमीज मत पहनाना, रूह निकली तो किसी ने पहना दी। मैं पूछता हूं उन लोगों से जो कहते हैं जिंदा दो कोई अपना बाबा, हम रखते हैं कब्र में 6 घंटे फिर तुम्हें वापस कर देंगे, मैं कहता हूं मेरे फौत शुदा बाबा का मुकाबला कौन करेगा, जिनको कमीज जिंदगी के खत्म होने के बाद पहनाई गई, मर्जी नहीं थी कि मुझे कमीज सिली हुई पहनाई जाए, वो पहना के दफन किया, कब्र बंद हो गई। मैं पूछता हूं कमीज निकाल के कौन लाया था, कमीज को घर में किसने लटकाया था, कमीज वापस दफन करने वालों से पहले कैसे पहुंची थी। तो मेरा कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ, अगर किताब का आलम वो हजारों मील दूर से तख्त ला सकता है, तो मेरे महबूब का उम्मती अपनी कमीज भी घर में पहुंचा सकता है।